दुनिया में हाथी, लोमड़ी और गोरिल्ला ही नहीं बल्कि कई ऐसे सुंदर अनमोल जानवर हैं जिनको शायद भविष्य में आप नहीं देख पाएंगे। इस वीडियो में कुछ ऐसे ही जीव जानवर को हम लेके आए हैं जिनकी जिंदगी खतरे में है। पर्यावरण असंतुलन और जंगल खत्म होने की वजह से यह खतरनाक परिस्थिति उत्पन्न हो रही है। दुनिया के कोने कोने से अब कई जीव जानवर हमेशा हमेशा के लिए खत्म होने की कगार पे हैं। जिराफ जैसा दिखने वाला यह प्राणी। दोस्तों, जिराफ जैसा दिखने वाला यह प्राणी कांगो में पाया जाता है, पर इनकी गिनती कितनी है धरती पर इस बारे में कोई नहीं जानता। 1990 के आंकड़े के मुताबिक ओकोपी की संख्या लगभग 4,500 थी, पर अब यह घटकर 2,000 के आसपास हो गई है। यह बड़े ही यूनिक जानवर होते हैं जो 2-in-1 है, जो देखने में जिराफ की तरह लगता है और जिराफ भी लगता है, और इसके शरीर पर जेब्रा जैसी धारियां भी बनी हुई है। एशियाई एलिफेंट्स। एशिया में कुछ ऐसी हाथियां आती हैं जो अपने विशालकाय आकार के लिए प्रचलित हैं, पर एशियाई हाथियों की संख्या 40,000 से 50,000 के बीच आंकी गई है। आपको लगता है यह जीव कितने विशालकाय हैं और ताकतवर भी, पर शायद आप भूल रहे हो कि इस धरती पे हम यानी कि इंसान सबसे ज्यादा ताकतवर प्राणी है, जो अपने स्वार्थ के लिए इनका शिकार करता है, अपने शौक पूरा करता है, फिर भी इंसानों को संतुष्टि नहीं होती और ऐसे ऐसे जानवर को मार के धरती से गायब ही कर देते हैं। गोरिल्ला की प्रजाति। रिपोर्ट में पता चला कि आने वाले समय में गोरिल्ला जैसे ये पीसेस खत्म हो जाएंगी, क्योंकि पिछले 30 सालों के अंदर इनकी संख्या लगभग 40% घट गई है। लिम्बर जैसे प्रतीत होने वाले जीव। लिम्बरों की तरह दिखने वाले ये बंदर मेडाग्रास में पाए जाते हैं। इस बीच रिपोर्ट में बताया गया कि लिम्बर जैसे दिखने वाले यह बंदर विलुप्त होने के कगार पे हैं, और यह पूरी तरह से संभव है कि ये सब जीव भविष्य में हमको देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे हम आज के जमाने में विलुप्त हो चुके जीवों की इमेज और तस्वीरें देखते हैं टीवी पे या फिर मोबाइल पे, भविष्य के लोगों को आजकल के जीव जानवरों की तस्वीरें ही देखनी पड़ेंगी। लगभग 95% लिम्बर खत्म होने के कगार पे हैं और इसकी 22 प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पे हैं। पिंटा जायंट कछुआ। ये कछुए तो आज से 10 साल पहले ही विलुप्त हो चुके हैं। इन्हें आखिर बार 2012 में देखा गया था। और ये कछुए केवल और केवल क्वाइडोर के पिंटा आइलैंड में पाए जाते हैं। जलवायु परिवर्तन की वजह से इनको बहुत नुकसान हुआ, प्लस इनके मांस के लिए इनका शिकार किया जाने लगा। और दोस्तों, ये कछुए जहाँ पे रहते थे यानी कि पिंटा आइलैंड पे रहते थे, तो वहाँ पे कुछ बकरियाँ आ गई, और बकरियों के आने की वजह से वहाँ की हरी घास और झाड़ियाँ खत्म होने लगी, जिसके चलते इनका खाना पानी कम पड़ने लगा और आज हम इनको केवल मोबाइल और तस्वीरों में ही देख सकते हैं। धन्यवाद गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।